नेपाल वर्सेस यूएसए की सीरीज में अगर मैं टॉप फाइव प्लेयर की बात कहूं तो कौन हो सकते है? अगर मैं अपना पर्सनल व्यू इस वीडियो में रखू तो कहीं ना कहीं आप लोग भी एग्री करोगे या फिर नहीं भी एग्री कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेपाल के टॉप फाइव प्लेयर जिन्होंने नेपाल को 3-0 से सीरीज जीतने में हेल्प करी है, मतलब आप कह सकते हो उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा है। देखो इस वीडियो में जो मैं 5 नाम लूंगा वो मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे जो प्लेयर अच्छे लगे, मुझे लगा जो प्लेयर ने परफॉर्मेंस करा है मैं उनका नाम लूंगा। बाकी आप लोग अपना अपना पर्सनल प्लेयर का ओपिनियन लिख सकते हो आप लोग के हिसाब से टॉप फाइव प्लेयर जो है वो कौन कौन से थे। तो देखो सबसे पहले मैं जो हूं नंबर वन पे रखना चाहूंगा यहाँ पे सोमपाल कामी को। अब देखो सोमपाल कामी का नंबर वन पे रखने का सिंपल सा एक ही रीजन है, सुपर ओवर। और आप सबको बताए वो जो सेकेंड मैच था नेपाल यूएसए के बीच में, वो मैच नेपाल क्रिकेट टीम के लिए जो है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मतलब अगर आप मेरे से पूछो तो नेपाल क्रिकेट टीम वो मैच सोमपाल के बदौलत ही जीती थी, सेकेंड वाली मैच की बात कर रहा हूँ। हाँ करण केसी ने भी विकेट लिए थे लेकिन सोमपाल कामी का जो है वहां पे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था। और ओवरऑल सिर्फ वहीं पे नहीं, अगर आप देखो सीरीज उठा के तो सिर्फ पहले मैच में आई थिंक सोमपाल विकेटलेस गए थे, बाकी आज वाले मैच में जो थर्ड T20I मैच था वो और सेकेंड T20I मैच दोनों में मिला के उन्होंने जो है 7 विकेट लिए, जो कि मैं कहूंगा सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट जहां पे सोमपाल कामी ने लिए हैं सुपर ओवर को मिला के। तो कहीं ना कहीं सोमपाल कामी मेरे लिस्ट में जो है इस पूरे सीरीज में नंबर वन पे रहने वाला है। देखो दोस्तों मैं मैच का नहीं कह रहा हूं, पूरे सीरीज का मिला के कह रहा हूं। नंबर दो पे अगर आप मेरे से पूछते हो तो मैं रखूंगा यहाँ पे भुरतेल को। अब आप लोग में से बड़े लोग पूछोगे कि यार भुरतेल को आप क्यों रख रहे हो, तो देखो भुरतेल को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि भुरतेल जो है अपना कुशल भुरतेल, एक तो उनके लिए खुश मैं इसलिए हूं क्योंकि वो जो है फॉर्म में आ चुके हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो कुशल भुरतेल की जो फॉर्म है बड़े लंबे समय से जो है गायब थी, और अभी यहाँ पे कुशल भुरतेल ने सेकेंड मैच में 92 रन की इनिंग खेल के ना वो दिल जीता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुशल भुरतेल मेरे लिए जो है वो बहुत अच्छे प्लेयर है जिन्होंने 3 नंबर पे आके बहुत ही मस्त बैटिंग करी और यहाँ पे नेपाल क्रिकेट टीम को सेकेंड मैचेस में भी और थर्ड मैचेस में भी जो है आज जितवाने में हेल्प करा है। अगर आप मेरे से पूछते हो थर्ड नंबर पे कौन है, तो देखो थर्ड नंबर पे जो है मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं करण केसी को रखूंगा। अब आप पूछोगे यार करण केसी थर्ड नंबर पे कैसे आ गया और दीपेंद्र सिंह एरी को आपने क्यों नहीं रखा, तो दीपेंद्र को लेके भी है मेरे पास यहाँ पे। थर्ड नंबर पे करण केसी को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि करण केसी आपके हर मैच में जो है विकेट टेकर थे। और देखो किसी ने ये कहा है मॉडर्न एरा में कि बैट्समैन आपको भाई रन बना के दे देंगे लेकिन बॉलर जो है ना आपके लिए रन बचाएंगे, और कहीं ना कहीं सोमपाल कामी करण केसी का बड़ा योगदान था इस पूरे यूएसए वाले सीरीज में जहां पे उन्होंने क्रूशल टाइम पे विकेट निकाला। करण केसी का अर्ली थ्रो जो है अर्ली विकेट वो नेपाल क्रिकेट टीम को बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचा गई तीनों मैच में। हालांकि आज के मैच में नहीं खेला करण केसी लेकिन स्टार्टिंग के दो मैच जो इंपॉर्टेंट थे उनमें करण केसी ने जो है अच्छा रोल निभाया। जैसे कि लास्ट मैच में अगर आप मेरे से पूछो तो 19वें ओवर में जो है उनका विकेट निकालना, मिडिल ऑर्डर में जो है विकेट निकालते रह जाना, स्टार्टिंग के ओवर में विकेट निकालते रह जाना, समझ लो। तो ये कहीं ना कहीं आप मेरे से पूछ मतलब मैं कहता हूं कि करण केसी बहुत अच्छे विकेट टेकर यूएसए की सीरीज में रहे। और ऐसा नहीं है कि करण केसी सिर्फ इसी बार विकेट लिया है यूएसए की सीरीज में, इससे पहले भी करण केसी के हाईएस्ट विकेट रहे संदीप के बाद। तो ओवरऑल यहाँ पे चौथे नंबर पे मैं अपने आइडल दीपेंद्र सिंह एरी को रखना चाहूंगा। और रीजन आप सबको पता है कि देखो बॉलिंग में उन्होंने जो है चलो अच्छा करा है लेकिन मुझे दीपेंद्र सिंह एरी की सबसे बेस्ट लगी यहाँ पे फील्डिंग, क्योंकि बिना दीपेंद्र के फील्डिंग के मुमकिन नहीं था। अगर आप देखो तो तीनों के तीनों मैचेस में दीपेंद्र सिंह एरी ने जो फील्डिंग करी है, मतलब अगर आप भुरतेल और दीपेंद्र को मिला लो तो दीपेंद्र कहीं ना कहीं अव्वल नंबर पे है, नंबर वन पे है फील्डिंग के मामले में। और मतलब उनके सामने एरन जोन जैसा प्लेयर ना सोच रहा है दो बार कि यार मैं रन लू या ना लू, क्योंकि दीपेंद्र सिंह एरी की एक तो स्पीड इतनी ज्यादा है, ठीक है, और सेकेंड वाले मैच में जहां जहां बॉल जा रही थी वहां वहां दीपेंद्र मौजूद थे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मैं कहूंगा आपको दीपेंद्र सिंह एरी की काफी खास थी जो ये खास बनाया दीपेंद्र को और इस सीरीज को जीतने में हेल्प करिए। पांचवें नंबर पे अपना रहने वाला रीजन था काल। अब देखो मैं यहाँ पे किसी बैट्समैन को इसलिए नहीं रख रहा हूँ बिकॉज मैंने आपको पहले ही कहा कि बॉलर ने इस सीरीज में बहुत अहम काम जो है किया है, क्योंकि एक मैच में आपने 165 डिफेंड किया, एक मैच में आपने 170 डिफेंड किया, बैट्समैन ने रन बनाए। अनिल शाह आसिफ शेख, मेरे को पता है आप लोग कहोगे कि यार अनिल शाह आसिफ शेख को आपने क्यों नहीं डाला, लेकिन मैं रीजन थकाल को इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि वो एक यंगस्टर प्लेयर है और यंगस्टर होने के बावजूद उनकी लाइन लेंथ जो है ना बड़ी सोची समझी होती है।
आप देखो यूएसए के बैट्समैन को स्टार्टिंग के ओवरों में बीट करना, उनके मतलब बैट में टच नहीं करवाना, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे किसने करा पता है? ये सारी चीजें करा भाई रिजन धकाल ने, जो कि कहीं ना कहीं मेरे लिए सबसे बेस्ट था रिजन धकाल की बॉलिंग। तो दोस्तों देखो मैं तो यही चाहूंगा भाई कि नेपाल क्रिकेट टीम इसी तरीके से परफॉर्मेंस करती रहे। बाकी मेरी पांच ये जो है टॉप फाइव प्लेयर पूरी सीरीज के हैं। बाकी आप लोग अपना अपना ओपिनियन लिखना, आप लोग के हिसाब से कौन कौन सा प्लेयर जो है रखना चाहते हो टॉप फाइव में, जो आपके हिसाब से सीरीज में सबसे बेस्ट करा है।